चलिए तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज। कल हमने देखा था रिमाइंडर थ्योरम, अब हम पढ़ने वाले हैं आज फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होगा यहाँ पर देखिए, फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है यहाँ पर मैं इस पर एक बार इसको डिफाइन कर देता हूँ। इफ पी ऑफ एक्स इज अ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है, सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स माइनस ए इज नोन एज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। आपको यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं थी डिवाइडेड बाय। अगर आप किसी भी वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, मतलब मैंने टू पुट किया और वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है आपका, टू पुट करने से जीरो हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा वहां पर एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा आपका जीरो, एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा आपका फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ है कि एग्जामिन वेदर वाई प्लस थ्री इस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर वन, वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, टू वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस सिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है यहाँ पर कि y प्लस थ्री को चेक करना है, तो y प्लस थ्री इज इक्वल टू, मैं जीरो पुट करूंगा तो मेरे को मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो y इज इक्वल टू माइनस थ्री मिल रहा है, तो p ऑफ, सॉरी यहाँ पर p ऑफ x नहीं लिखना है, p ऑफ y लिखना है, क्योंकि वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो y है। तो p ऑफ माइनस थ्री कितना हो जाएगा आपका, टू इंटू माइनस थ्री रेज टू पावर थ्री प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री स्क्वायर माइनस सेवन इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्स। तो ये क्या हो गया टू। अब माइनस थ्री रेज टू पावर थ्री कितना होता है, माइनस ट्वेंटी सेवन होता है, और यहाँ पर प्लस थ्री, और यहाँ पर माइनस थ्री स्क्वायर मीन्स नाइन, फिर यहाँ पर प्लस ट्वेंटी वन प्लस सिक्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया माइनस टू इंटू, टू इंटू माइनस ट्वेंटी सेवन कितना हो गया यहाँ पे, माइनस फिफ्टी फोर प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी वन प्लस सिक्स। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस फिफ्टी फोर प्लस फिफ्टी फोर मीन्स यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये पी ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सो एक्स माइन एक्स यहाँ पर क्या है, वाई प्लस थ्री, वाई प्लस थ्री इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ वाई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि शो दैट एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली पी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो पी ऑफ एक्स क्या है आपका यहाँ पर, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब आपको करना है यहाँ पर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू वन मिलेगा। तो पी ऑफ वन क्या हो गया यहाँ पर बताइए, वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन प्लस फोर, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन, फिर यहाँ पर माइनस वन, फिर यहाँ पर माइनस फोर और ये प्लस फोर, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब आप यहाँ पर किसको जीरो को इक्वल पुट करेंगे, नेक्स्ट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू टू मिलेगा। तो पी ऑफ टू क्या होगा आपका यहाँ पर, ये टू रेज टू पावर थ्री माइनस टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू प्लस फोर। तो क्या हो गया, ये एट माइनस फोर माइनस एट प्लस फोर, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो क्या हो गया, पी ऑफ टू इज इक्वल टू आपका जीरो हो गया। इसका मतलब एक्स माइनस टू इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब मैं इनको क्या लिख सकता हूँ कंबाइंड फॉर्म में, कि x माइनस वन और x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मतलब x माइनस वन और x माइनस टू क्या हो गए यहाँ पर, p ऑफ x के फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सम था, क्या था, फैक्टर थ्योरम, है ना। तो फैक्टर थ्योरम आपको समझ में आ गया कि
जैसे आपको x इज इक्वल टू टू या फिर x इज इक्वल टू माइनस टू बोलता हूँ मैं इस बार, x इज इक्वल टू माइनस टू किसी भी पॉलिनोमियल में पुट करने पर अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जा रही है तो x माइनस टू क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये तो क्या क्या आपका रिमाइंडर थ्योरम और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स। तो आप ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर ये सॉल्यूशन लिखिएगा, फिर ये क्वेश्चन नोट करने के बाद ये सॉल्यूशन लिखिएगा। मैं यहाँ पर इसको मिटा करके आपको जो इन जनरल कैसे हो रहा है ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पर देखिए क्या होगा यहां पर, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है यहाँ पर कि p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है और उसको मैंने किससे डिवाइड किया, x माइनस a से डिवाइड किया, ठीक है। तो x माइनस a से डिवाइड किया और यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, ये q ऑफ x मिल रहा है और प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा रिमाइंडर जो क्या होगा यहाँ पर, ये आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है, वो p ऑफ a होता है। अगर मैंने x माइनस a से डिवाइड किया तो p ऑफ a रिमाइंडर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ दिस, तो इसका मतलब अभी आपने डिवीजन एल्गोरिथम देखा तो क्या हो जाएगा, p ऑफ a इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू क्यू एक्स होगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी नंबर ये लिखा है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 6 लिखा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो 6 का फैक्टर क्या है, 2 और 3 है, तो 2 क्या है 6 का फैक्टर और 3 भी 6 का फैक्टर है। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल क्या है, दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, तो क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल उसका फैक्टर होगा। मतलब यहाँ पर x माइनस ए क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, तो एक बार आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके सारी चीजें नोट कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ अब। चलिए अभी जो हमने पढ़ा है यहाँ पर फैक्टर थ्योरम, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस और बोथ आर इक्वल टू जीरो। तो आपको पता है यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है कि p of x is equal to, यहाँ पर let p of x is equal to ax raised to power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e दिया हुआ है, and x square minus 1 is factor of p of x, मतलब a plus b और a minus b क्या होता है, x square, a square minus b square होता है। तो वो formula use करके इसको मैं split करूँगा, तो x minus 1 into x plus 1 is factor of p of x, मतलब क्या हो गया यहाँ पर, x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ p of x। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मीन्स x इज इक्वल टू वन, तो p of वन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका, जीरो आना चाहिए। तो p of वन इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, इस बात का मतलब क्या हो गया यहाँ पर ये कि यहाँ पर ये a into 1 raised to power 4 plus b into 1 raised to power 3 plus c into 1 square प्लस डी इंटू वन प्लस ई इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू जीरो हो गया। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन वन। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होने वाला है नेक्स्ट, एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन मिलेगा और पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स a into minus 1 raised to power 4 plus b into minus 1 raised to power 3 plus c into minus 1 square plus d into minus 1 plus e is equal to 0 हो जाएगा। तो minus 1 raised to power 4 किसी भी क्या हो negative number की power even है तो वो 1 हो जाता है, तो a into 1 plus b into minus 1 plus c into 1 plus d into minus 1 plus e is equal to 0 means a minus b plus c minus d plus e is equal to 0। ये हो गया आपका इक्वेशन टू। अब यहाँ पर दोनों तो जीरो के इक्वल ही है, ये भी जीरो के इक्वल है और ये भी जीरो के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम वन एंड टू से यहाँ पर ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई।
तो यहाँ पर सेम साइन वाले जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ए आपका ए से कैंसिल हो गया यहाँ पर, फिर ई जो है आपका वो ई से कैंसिल हो गया है है ना, फिर आपका क्या है यहाँ पर ये सी जो है वो सी से कैंसिल हो गया, तो बी प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर माइनस बी माइनस डी, तो इधर आएगा तो ये बी प्लस डी प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर ये जीरो, तो टू टाइम ऑफ बी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, इससे आपको क्या पता लग रहा है कि बी प्लस डी इज इक्वल टू हो गया आपका जीरो, इसको बोल दिया हमने थ्री। ठीक है, अब आपको जो प्रूव करना है प्रूव करना है उसमें क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर कि b प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर ये b प्लस डी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये जीरो हो रहा है, तो b प्लस डी इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये तो आपने एक चीज यहाँ पर प्रूव कर ली। अब आपको नेक्स्ट क्या है यहाँ पर ये a प्लस सी प्लस ई, तो a प्लस सी प्लस ई अगर आपको प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे अब इक्वेशन नंबर वन प्लस इक्वेशन नंबर टू, तो क्या होगा इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू जीरो और a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इज इक्वल टू जीरो, से यहाँ पर ये क्या होने वाला है देखिए यहाँ पर ये 2a, फिर यहाँ पर ये कैंसिल हो गया है और ये कैंसिल हो गया है प्लस 2c प्लस 2e इज इक्वल टू जीरो, तो 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू जीरो, तो a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू भी जीरो हो गया, तो ये भी क्या हो गया आपका हैंड्स रूट, देखिए a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू जीरो हो गया और यहाँ पे b प्लस डी इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो दोनों चीजें हमने प्रूव कर ली है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो पॉज करके और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके और खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिख करके दिया है आपको यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि इफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एस एक्स माइनस टू एस फैक्टर एंड लीव रिमाइंडर व्हेन इट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को एक बार दो बार तीन बार देखना पड़ेगा, बट अगर आपने ये समझ लिया तो आपको इस चैप्टर में मतलब फैक्टर थ्योरम से इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन है इसका, मैं बोल रहा हूँ लेट p of x is equal to ax cube plus bx square plus x minus 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ये इसका फैक्टर जो है वो क्या है x minus 2 है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर by using क्या बुलाइए x plus 2 is factor of p of x, तो क्या हो जाएगा by using factor theorem, तो क्या होगा यहाँ पर x प्लस टू फैक्टर है मीन्स मेरे को x इज इक्वल टू माइनस टू इसमें पुट करना पड़ेगा, तो p ऑफ माइनस टू क्या होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या हो गया देखिए a इंटू माइनस टू क्यूब प्लस बी इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस एट ए फिर यहाँ पर प्लस फोर बी फिर यहाँ पर माइनस टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस एट ए प्लस फोर बी माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, तो अगर आपने माइनस फोर कॉमन ले लिया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा ये, या फिर आप सिर्फ फोर कॉमन ले लीजिए, तो फोर कॉमन लेंगे तो क्या होगा माइनस टू ए फिर यहाँ पे प्लस बी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो फोर तो जीरो में चला जाएगा तो माइनस टू ए प्लस बी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैं क्या करूँगा देखिए आप मैं b को तो इधर रहने देता हूँ, ये माइनस टू इधर आएगा तो टू ए हो जाएगा और ये टू इधर गया तो क्या हो गया ये प्लस टू हो गया। ठीक है, इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर क्या वन। फिर उसके बाद ये तो क्या था फैक्टर थ्योरम था, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि व्हेन इट लीव्स रिमाइंडर फोर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस टू, तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये फोर जो है यहाँ पर ये फोर ये क्या है रिमाइंडर है कब जब मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा x माइनस टू से डिवाइड करूंगा, तो क्या होगा यहाँ पर by using remainder theorem क्या हो रहा है यहाँ पर remainder theorem में किससे divide कर रहा हूँ मैं इससे divide कर रहा हूँ, पूरा question ध्यान से पढ़ना है आपको, तो leave remainder क्या है 4 when divided by x minus 2, तो मैं x minus 2 से divide कर रहा हूँ मतलब x minus 2 is equal to 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर x is equal to 2,
तो पी ऑफ टू क्या होगा यहाँ पर, पी ऑफ टू फोर होगा, ठीक है, आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से पता होना जरूरी है। तो क्या हो गया, पी ऑफ टू इज इक्वल टू फोर हो गया, मीन्स यहाँ पर क्या करना है आपको, अब ये पी ऑफ टू मीन्स यहाँ पर किधर गया, ये पी ऑफ एक्स ये रहा, तो ए इंटू टू रेस टू पावर थ्री, फिर यहाँ पर कितना हो गया ये प्लस बी इंटू टू स्क्वायर प्लस टू इंटू टू माइनस सिक्स, ठीक है। तो क्या हो गया ये 8a प्लस 4b और यहाँ पर प्लस 2 माइनस 6 कितना होता है माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इस बार वापस 4 कॉमन इज इक्वल टू 4 है, इज इक्वल टू क्या है 4, रिमाइंडर 4 है इसलिए, तो 4 और यहाँ पर आपने क्या कर दिया ये 2a प्लस 1 माइनस 1, 2a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो ये 4 इधर आएगा, आपको पता है ये बेसिक मैथ्स है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। क्या हो गया 4 कॉमन लेने के बाद 2a प्लस बी माइनस 1 हो गया और यहाँ पे 4 इधर डिनोमेटर में आ जाएगा तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो 2a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ये 1 हो गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर फ्रॉम 1 पुट, क्या है यहाँ पर फ्रॉम 1 पुट b इज इक्वल टू 2a प्लस 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है b इज इक्वल टू 2a प्लस 2, पुट b इज इक्वल टू 2a प्लस 2 इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 2a, फिर यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 2a प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया ये यहाँ पर 2a प्लस 2a कितना होता है ये 4a, फिर यहाँ पर कितना हो गया देखिए यहाँ पर प्लस 2 माइनस 1 कितना होगा 1 इज इक्वल टू 1, तो 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो क्या हो गया 4a इज इक्वल टू 0 मीन्स a इज इक्वल टू हो गया आपका 0, ठीक है, तो a की वैल्यू मिल गई, पुट a इज इक्वल टू 0 इन किस में आप, पुट a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा जब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो b प्लस 0 b इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 0 प्लस 2, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 2, तो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएंगे आपके इसके आंसर, समझ में आ गया होगा, आपको नहीं आया तो आप वीडियो वापस रिवाइंड करके एक बार देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि इफ p of x is equal to ax raised to power 4 plus bx is bx cube plus 3x minus 4 है ना, is divided by x minus 3, then it leaves remainder 7, ठीक है, and x plus 2 is factor of p of x, then find क्या होगा यहां पर, then find a and b, वापिस मैं क्वेश्चन एक बार यहाँ पर आपको रीड करके बता देता हूँ, नहीं दिखेगा आपको यहाँ पर छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो क्या है p of x is equal to लिखा हुआ है, ध्यान से लिख लीजिएगा, ax raised to power 4 plus bx cube plus 3x minus 4, ठीक है, ax raised to power 4 plus bx cube plus 3x minus 4, क्या है यहाँ पर, is divided by x minus 3, अगर मैं इसको x minus 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या है, it leaves remainder 7 and x plus 2 is factor of this polynomial, मतलब p of x, then find a and b, तो आपको पता ही ये क्वेश्चन मैंने जैसे सॉल्व किया सेम टू सेम वैसा ही है, थोड़ा बहुत मैंने क्वेश्चन को बस ऊपर नीचे चेंज किया, तो इतना तो मैथ्स में होता भी है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही आपको होमवर्क रहेगा और ये आपको एक बार अच्छे से ध्यान से समझना है। चलिए आप अभी यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। चलिए देखिए यहाँ पर टॉपिक का नाम जो है वो क्या लिया हुआ, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करूंगा, तो उसको समझना कैसे, आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब आपको कोई भी पॉलीनोमियल दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर ये, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको पता है इन जनरल यही होता है, p of x is equal to ax square plus bx plus c होता है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि इसके फैक्टर जो होंगे वो आपको पता है लीनियर होंगे, क्या होंगे लीनियर, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लेट px plus q and rx plus s are the factor of polynomial p of x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी एक्स
पी ऑफ एक्स नहीं है, पी एक्स प्लस क्यू, और यहाँ पर ये आर एक्स प्लस एस होगा क्योंकि ये इसके फैक्टर है तो ऐसा होना पॉसिबल है। अब यहाँ पर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो पी आर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर जब ये पी किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा आपका एस से, तो क्या हो जाएगा ये प्लस पी एस एक्स, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस क्यू आर एक्स, और यहाँ पर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस क्यू एस, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी आर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस पी एस प्लस क्यू आर, और ये एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो गया, ये क्यू एक्स हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा किसको वेरिएबल, यहाँ पर कंपेयर करूंगा किसको, ए इज इक्वल टू आपका क्या होने वाला है पी आर होगा, यहाँ पर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी एस प्लस क्यू आर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू एस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पर ए इंटू सी करना है, तो जब आप ए इंटू सी करेंगे तो क्या होगा पी आर इंटू क्यू एस होगा। अब चारों तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में ही लिखा हुआ है, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं कि पी एस और यहाँ पर इंटू क्यू आर, ठीक है ना, मतलब ऐसा समझिए यहाँ पर कि 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पर इसको ऐसा नहीं कर सकता कि 2 इंटू 4 और यहाँ पर इंटू 3 इंटू 1 कर सकता हूँ ना, इसको अलग और इसको अलग मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर तो सेम ही आने वाला है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर इनको ऐसा किया। अब यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए पी एस प्लस क्यू आर, तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि मैं फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा फर्स्ट वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, और उनको दो फैक्टर्स, दो ऐसे फैक्टर्स में कन्वर्ट करूंगा कि मेरे को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिल जाए, बीच वाला टर्म मिल जाए। बीच वाला टर्म मतलब यहाँ पे पी एस प्लस क्यू आर है, मैंने क्या किया पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐसे टर्म में स्प्लिट किया कि मेरे को क्या मिल जाए मिडिल टर्म मिल जाए, मिडिल टर्म मतलब एक्स का कॉफिशियंट मिल जाए। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है आपको कि टू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स और ये माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या है, ये जीरो है, ठीक है, है ना, जीरो मतलब यहाँ पे ये सॉरी ये बोल दीजिए आप क्या है, ये पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है। तो मैंने क्या बोला है यहाँ पर आपको क्या करना है, ए क्या होता है कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, बी क्या होता है कॉफिशियंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म। तो आपको इसके अकॉर्डिंग क्या करना है यहाँ पर, ये समझने के लिए था इसको भूल जाइए अभी, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले आप ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इंटू कितना आ जाएगा आपका थ्री, तो ये क्या है सिक्स है। अब मैं सिक्स को क्या करूंगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, है ना, यहाँ पर देखिए एक्चुअली ये क्या है टू इंटू माइनस थ्री है, तो यहाँ पर क्या होगा ये माइनस सिक्स होगा। तो अब मैं इनको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या हो जाएगा ये टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, क्या किया मैंने यहाँ पर देखिए ये समझ में नहीं आया था सर, टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है बीच में माइनस वन दिया हुआ है, तो मैं इसको माइनस थ्री प्लस टू और यहाँ पर एक्स और ये माइनस थ्री लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ पर एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया टू एक्स माइनस थ्री, और यहाँ पे प्लस वन कॉमन ले लिया तो टू एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ पर और यहाँ पर से क्या कॉमन आ रहा है ये टू एक्स माइनस थ्री, और यहाँ पर कितना हो गया फिर ये एक्स प्लस वन, ये क्या हो गया पी ऑफ एक्स के फैक्टर्स, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए, मैं आपको इस पर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ ताकि आपको ये जो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वो अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हम इसको ध्यान से समझेंगे। ओके नोट कर लीजिए एक बार इसको। चलिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म को समझाने के लिए, आप इनको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ आपको। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस थर्टी, ठीक है, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस थर्टी दिया हुआ है, तो होगा क्या यहाँ पर एक्चुअली आप लोगों को यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर लिखा है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो वन इंटू थर्टी जब आप करेंगे तो क्या आएगा थर्टी आएगा। अब आप थर्टी के निकालिए प्राइम फैक्टर, तो थर्टी के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर टू से फिफ्टीन टाइम, और फिर यहाँ पर ये थ्री से फाइव टाइम, और यहाँ पर ये फिर फाइव से वन, ठीक है।
अब आपको यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 मिल गया है। अब आप इनको कैसे यूज करें कि 11 आ जाएगा, तो 11 आने के लिए मेरे को करना पड़ेगा 3 टू जा 6 और यहाँ पर 6 प्लस 5 करूंगा तो 11 आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 11 को मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पर ये 6 प्लस 5 और ये x ब्रैकेट के बाहर प्लस 30, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पर ये 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x प्लस 6 कॉमन लेने के बाद कितना x प्लस 6 और यहाँ पर ये x प्लस 5, तो ये इसके हो गए फैक्टर्स। तो यहाँ पर ये आंसर। फिर जब मैं सेकंड क्वेश्चन पर जाता हूँ यहाँ पर, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर a क्या है आपका 1 है और यहाँ पर c क्या है आपका माइनस 6 है, तो आप इन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स कैसे पॉसिबल है, तो इसके फैक्टर्स देखिए यहाँ पर आप 6 माइनस 1 कर देंगे क्योंकि इसके फैक्टर्स तो क्या होंगे 6 और 1 होंगे, जिससे मेरे को 5 मिल सकता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा हो जाएगा 6 माइनस 1 कर सकते हैं आप, यहाँ पर 3 प्लस 2 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 प्लस 2 से आपको पॉजिटिव साइन मिल रहा है। 3 प्लस 2 अगर 3 प्लस 2 आप लिखते 5 के लिए तो क्या होगा यहाँ पर, 3 इंटू 2 6 होता है, माइनस 6 नहीं होता। तो इसलिए मैं लिखूंगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 6 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 की जगह, 5 की जगह क्या लिखा मैंने 6 माइनस 1 इंटू x माइनस 6, तो क्या हो गया ये x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6। तो क्या हो गया यहाँ पर, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 6 और यहाँ पर कितना हो गया ये x माइनस 1, ये इसके फैक्टर्स हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर ये 2 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर फिर यहाँ पर माइनस 11x माइनस 80। अब यहाँ पर 1 इंटू 80 जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू, अभी माइनस साइन को छोड़ देता हूँ मैं, अभी क्या हो गया 1 इंटू 80, तो कितना हो गया ये हो गया आपका यहाँ पर 80। अब 80 के जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2 से 40, फिर यहाँ पर 2 से 20 और 2 से कितना आ गया यहाँ पर ये 10, फिर यहाँ पर 2 से 5 और 5 से क्या हो गया 1। अब आपको लेकर के आना है क्या 11, तो 11 लाने के लिए क्या होगा यहाँ पर देखिए 2 टू जा 4 होता है, 4 टू जा 8 होता है, 8 टू जा 16 होता है, और 16 माइनस 5 क्या होता है 11 होता है, तो हो गया यहाँ पर। तो आपको माइनस साइन चाहिए, मतलब माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए, तो माइनस 16x प्लस 5x माइनस 80। तो जब आप यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 16 और यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 16। तो जब आपने यहाँ पर x माइनस 16 को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 5, तो यहाँ पर क्या हो गया ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इजी था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाने वाला हूँ आपको, आप पहले एक बार वीडियो पॉज करके इन सबको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इन सबको। अब तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है नेक्स्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 इज 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, तो 30x स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पर ये माइनस 15। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप 30 और 15 के फैक्टर्स अलग अलग निकाल लीजिए, तो 2 से 15 हो गया, फिर यहाँ पर 3 से 5 और 5 से क्या हो गया 1, और 15 के फैक्टर्स क्या हो गए यहाँ पर 3 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। अब इन सब को यूज करके आपको लाना कितना है 7 लाना है, तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 3 3 3 9 2 18, तो माइनस 25 प्लस 18 से आपको मिलेगा माइनस 7। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर 30x स्क्वायर माइनस 25x और यहाँ पर ये प्लस 18x माइनस 15, तो इन दोनों में आप क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में 5x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पर ये 6x माइनस 5 और यहाँ पर कितना हो गया ये 3 कॉमन आ रहा है, तो 6x माइनस 5। अब क्या हो गया ये 6x माइनस 5 और यहाँ पर ये 5x प्लस 3, ये हो गया क्या आपका आंसर। ठीक है, फिर अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 5th दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, तो 2 के फैक्टर्स तो 2 ही होंगे, 2 इंटू 1 होगा, और 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5 हो जाएंगे, इससे लेकर के आना है क्या आपको माइनस 7, तो आपको दिख रहा होगा 5 टू जा 10 है ना, और माइनस 7 लेके आना है, तो माइनस 10 प्लस 3 कितना हो गया आपका माइनस 7, तो इसको आप लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 10x और यहाँ पे प्लस
3x माइनस 15 तो क्या हो गया यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 और यहाँ पर प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 तो यहाँ पर अगर मैंने x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया ये 2x प्लस 3 हो गया ये क्या हो गया इसके फैक्टर्स हो गए फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21 5 स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21 तो 5 के फैक्टर्स तो 5 इंटू 1 ही होंगे और 21 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 7 इंटू 3 है ना 7 थ्री 21 होता है अब आपको क्या लेके आना है 16 लेके आना है तो माइनस 16 तो 7 थ्री 21 21 माइनस 5 आ गया यहाँ पर तो क्या हो गया यहाँ पर ये माइनस 16 को कैसे लिख सकता हूँ मैं माइनस 21 प्लस 5 तो क्या हो गया यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस माइनस 21x और यहाँ पर फिर कितना हो गया ये आपका प्लस 5x माइनस 21 तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सिर्फ x कॉमन ले लेंगे तो 5x माइनस 21 और यहाँ पर कितना हो गया ये प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 5x माइनस 21 ठीक है तो क्या हो गया ये 5x माइनस 21 कॉमन लेने के बाद बचेगा आपका यहाँ पर x प्लस 1 तो ये क्या हो गया इसके फैक्टर्स बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है आपको बस एक बार ध्यान से समझने की जरूरत है फिर मैं क्वेश्चन नंबर अब 7 सॉल्व करवाऊंगा मैं यहाँ पर इसको रख कर डाल रहा हूँ एक बार इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है आपको 40 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है तो अब यहाँ पर पहले आपको सबको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पर कितना हो गया ये प्लस 40 ठीक है ऐसा लिखना पड़ेगा a a के प्लेस पे b b के प्लेस पे और c c के प्लेस पे आना चाहिए तो a इज इक्वल टू आपका माइनस 1 है और इनटू 40 तो अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे 40 के 2 से 20 2 से 10 2 से 5 और 5 से लास्ट में क्या हो गया 1 अब आपको लेके आना है 8 तो 3 तो 3 कैसे आएगा 2 टू द 4 टू द 8 8 माइनस 5 कितना होता है यहाँ पर ये 3 क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 हो जाएगा तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x प्लस 40 तो यहाँ पर अगर आप माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस 8 हो जाएगा माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस 8 हो जाएगा तो एक्स माइनस 8 अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा वो माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगा तो माइनस और बाहर ले लीजिए तो एक्स माइनस 8 और यहाँ पर कितना हो गया ये एक्स प्लस 5 ये क्या हो गया इसके फैक्टर्स ठीक है बिल्कुल ईजी समझा ये भी फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 ठीक है तो 6 के फैक्टर्स जो है वो क्या हो जाएंगे 3 इंटू 2 हो जाएंगे और 12 के फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पर 3 इंटू 2 और यहाँ पर फिर ये 2 ठीक है अब आपको क्या लेकर के आना है यहाँ पर 17 लेके आना है तो हो गया यहाँ पर 2 टू 4 टू 8 8 प्लस 3 3 9 तो 8 प्लस 9 कितना होता है 17 तो 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9x प्लस 12 अब आप यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 और यहाँ पे अगर आपने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना हो गया ये 3x प्लस 4 तो ये हो गया आपका 3x प्लस 4 कॉमन लेने के बाद 2x प्लस 3 तो ये आंसर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी फिर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है मेरे को तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर ये 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाय 8 तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 हो गया तो 1 बाय 8 और फिर यहाँ पर 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 हो गया तो अब यहाँ पर ये 16 जो है उसके फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पर 2 से 8 टाइम फिर यहाँ पर 2 से 4 फिर यहाँ पर 2 से 2 और यहाँ पर 2 से क्या हो गया 1 तो आपको क्या लेकर के आना है यहाँ पर 8 लेके आना है 8 लेके आना है मतलब क्या हो जाएगा ये 2 टू 4 4 8 हो जाएगा तो 1 बाय 8 और यहाँ पर क्या हो गया 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 तो 1 बाय 8 फिर यहाँ पर 4x कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 4x माइनस 1 हो जाएगा फिर यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 1 हो जाएगा तो 1 बाय 8 और यहाँ पर कितना हो गया ये 4x माइनस 1 और यहाँ पर ये 4x माइनस 1 इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्या हो गया 1 बाय 8 और यहाँ पे 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था अब क्वेश्चन नंबर 10 देखना है हमें एक बार आप इनको नोट कर लीजिए और
आपको ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने, एक बार नहीं होता तो दो बार नहीं होता तो तीन बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वैसे तो 8th में भी पढ़ाया जाता है, बट अगर आपको नहीं आया समझ में तो आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार दो बार तीन बार ट्राई करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, ये आपका टास्क है। जब भी आप आएंगे तो सबसे पहले मैं आपसे स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म ही पूछने वाला हूँ जब भी क्लास स्टार्ट होगी, तो ध्यान से पढ़ना है आपको इसको। अब देखिए, अब आपको क्या दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये 4√3x² प्लस 5x और यहाँ पे -2√3। तो क्या होगा, 4√3 × 2√3 जब आप करेंगे तो 8 × 3 हो जाएगा, और 8 × 3 से आपको पता ही 8 − 3 = 5 होता है। तो 4√3x² प्लस यहाँ पर कितना हो गया ये 8x − 3x और यहाँ पे -2√3। तो अगर आप यहाँ पे 4x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया ये √3x + 2, और यहाँ पर अगर आपने क्या कर दिया ये √3x − √3 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया ये √3x और यहाँ पे +2। तो √3x + 2 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x − √3। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, एक बार आप खुद से सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये आपका होमवर्क भी है, आपको फिर भी एक बार खुद से ट्राई करना है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम मतलब क्या होगा कि आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है। तो ये इक्वेशन क्यूबिक है, तो मतलब आपको यहाँ पर आप डायरेक्ट इसमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको इसमें पुट करने से आपको क्या मिल जाए, इसकी वैल्यू जो है वो जीरो मिल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहला काम करता हूँ क्या, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू करता हूँ यहाँ पर x³ − 23x² + 142 − 120। अब आप देखिए यहाँ पर क्या मैं इसमें x इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो ये जीरो होगा, यहाँ पर क्या होगा अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो ये और ये जीरो हो जाएगा और −120 बच जाएगा, तो ये जीरो नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 क्या होगा 1³ − 23 × 1² + 142 × 1 और यहाँ पे −120। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए, ये 1 − 23 + 142 − 120, तो ये और ये तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, और ये आपस में ऐड होंगे तो 143 और −143 विच इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो हो गया, सो यहाँ पर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो x माइनस 1 क्या हो गया इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, ये आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 से मिल गया तो इजी था, अगर आपको 1 से 0 नहीं मिलता है तो आप −1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर −2 और ऐसे ही धीरे धीरे ये ट्राई करना है, तो उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आपको वैसे चेक करना है कहाँ पे 0 मिलेगा। अब x माइनस 1 एक किसका फैक्टर हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा आगे आपको क्या करना है, लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करना है, किसमें, ये x³ − 23x² + 142x और यहाँ पे −120। ठीक है, तो जब आप ये मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, x³ लिखा हुआ है और यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो आपको इसको x³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। नहीं आता ये समझ में तो आप इसको यहाँ पर इससे डिवाइड कर दीजिए x³ को x से, तो क्या बचेगा x², जो बचेगा वही आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया ये x³ हो गया और यहाँ पर फिर कितना हो गया ये −x² हो गया, फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना हो गया −22x² + 142x और यहाँ पे −120। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे −22x लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपको इस x को −22x² बनाना था। ठीक है, तो आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो −22x बचेगा, इसलिए मैंने वही लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा −22x² और यहाँ पर ये −(−+22x) हो गया, फिर ये प्लस यहाँ पर माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 120x और यहाँ पे −120। तो लास्ट में आपको लिखना है 120, तो क्या हो गया 120x − 120, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस ये और ये कैंसिल हो गया, लास्ट में जीरो मिल गया। तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर x माइनस 1 जो डिवीजन एल्गोरिथम था उससे x² − 22x और यहाँ पर +120। ठीक है,
तो अब आप यहाँ पर इसको फैक्टर इसके फैक्टर फाइंड करेंगे किसके x² माइनस 22x प्लस 120 के, तो क्या होगा यहाँ पर 1 इंटू 120 120 होता है और 120 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे 2 से 60 टाइम, फिर 2 से 30 टाइम, फिर 2 से कितना हो गया यहाँ पर 15 टाइम, फिर 3 से यहाँ पर 5 टाइम, तो आपको 22 लेके आना है, तो 5 3 से 15 15 और यहाँ पर कितना हो गया ये 2 2 से 4 2 से 8, तो 15 प्लस 8 कितना होता है 15 प्लस 8 23 होता है 15 प्लस 8 तो 20 यहाँ पर क्या है आपका x² माइनस 22 और यहाँ पर प्लस 22 जो 2 से 60 2 से 30 2 से 15 फिर 3 से 5 और 15 ठीक है यहाँ पर 8 3 से 24 24 और 5 नहीं काम करेगा यहाँ पर 20 और 6 हो गया यहाँ पर 5 से 15 से 30 30 माइनस 24 होगा नहीं काम करेगा यहाँ पर कितना करना है आपको ये 15 प्लस 8 तो 23 होता है तो हाँ हो गया 5 2 10 10 और यहाँ पर 12 तो कितना हो गया ये x² माइनस 10x माइनस यहाँ पर 12 लिख लेता हूँ x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120 ठीक है तो अगर मैं x कॉमन लूंगा तो x माइनस 12 हो जाएगा माइनस 10 कॉमन लूंगा तो x माइनस 12 हो जाएगा और x माइनस 12 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया ये x माइनस 10 हो गया ठीक है तो जो आपका पी ऑफ एक्स था पी ऑफ एक्स के फैक्टर्स क्या क्या हो गए यहाँ पर ये एक्स माइनस 1 तो ऑलरेडी था एक्स माइनस 1 हो गया और बाद में फिर ये एक्स माइनस 12 हो गया और लास्ट में एक और क्या हो गया एक्स माइनस 10 हो गया ठीक है तो ये तीन क्या हो गए इसके फैक्टर्स हो गए आप लोग एक बार वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिए मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया है बिल्कुल इजी है जो जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी है उन सबको अप्लाई करना है आपको आपका आंसर मिल जाएगा एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट देखते हैं चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो अभी हमने पढ़ा था उसको समझने के लिए क्या है यहाँ पर आपको इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है तो क्या दिया हुआ है इक्वेशन x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 ठीक है तो ये आपका ऐसा हो गया अब आपको क्या करना है यहाँ पर p ऑफ आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले जीरो पुट करेंगे तो ये और ये जीरो हो जाएगा बट 20 बच जाएगा तो p ऑफ 1 p ऑफ 0 इज इक्वल टू तो जीरो नहीं है फिर मैं क्या करूंगा p ऑफ 1 फाइंड करूंगा तो 1³ प्लस 13 1² प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20 तो क्या होगा 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20 तो सब में पॉजिटिव साइन है तो ये तो जीरो हो नहीं सकता तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा एट x इज इक्वल टू माइनस 1 तो p ऑफ माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका माइनस 1³ प्लस 13 इंटू माइनस 1² प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20 तो क्या हो गया ये माइनस 1 प्लस 13 और यहाँ पर ये माइनस 32 प्लस 20 तो ये और ये और ये और ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा माइनस 33 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 33 तो p ऑफ माइनस 1 क्या हो गया आपका जीरो हो गया इसका मतलब x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x तो x प्लस 1 अगर फैक्टर हो गया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 1 फैक्टर हो गया है तो x प्लस 1 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको तो क्या मिलेगा यहाँ पर ये x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 ठीक है तो ये ऐसा हो गया यहाँ पर अब आगे क्या करना है आपको यहाँ पर देखिए x² यहाँ पर लिखेंगे तो आपको मिलेगा x³ कैसे लिखा मैंने यहाँ पर इसको इससे डिवाइड कर दिया x³ को x से तो क्या मिलेगा x² मिलेगा तो x³ फिर यहाँ पर कितना हो गया ये प्लस x² फिर यहाँ पर कुछ नहीं है अब ये दो ही टर्म है इसलिए दो माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो गया 13 माइनस 1 12x² प्लस यहाँ पर 32x प्लस 20 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस मैं क्या लिखूंगा 12x लिखूंगा तो कितना हो जाएगा ये 12x² प्लस 12x फिर यहाँ पे माइनस तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर कितना हो गया 20x प्लस 20 लास्ट में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 20 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा ये 20x प्लस 20 तो यहाँ पे माइनस तो ये हो गया आपका कैंसिल अब आप p ऑफ x को क्या लिख सकते हैं p ऑफ x को लिख सकते हैं x प्लस 1 और बाद में क्या हो गया यहाँ पर x² प्लस
12x plus 20, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं आपको, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये 20 को आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, फिर 20 को 5 से 2 से और यहाँ पे 5। अब आपको क्या लेके आना है, 12 लेके आना है, तो 5 टू 10 प्लस 2 12 होता है, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस 10, प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 10, x प्लस 10 और यहाँ पर x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 और फिर बाद में x प्लस 10 और फिर बाद में x प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या होगा इसके फैक्टर्स। आपको आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको ट्राई करना है और एक बार सॉल्व करना है, तो इसको नोट कर लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से नहीं आया तो आप वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर से देख सकते हैं, ओके। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आपको कुछ यहाँ पर क्या पढ़नी है, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो क्या है आपको आगे के चैप्टर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और आपने शायद पहले भी पढ़ा हुआ है। तो क्या है एलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो एलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या होगा, सबसे फर्स्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज आपको पता होगी। यहाँ पर ये आता कैसा है तो वो आपको मैं एक बता देता हूँ बस, बाकी यहाँ पर आपको क्या करना है, खुद ही सारे आइडेंटिटीज के प्रूफ फाइंड करने हैं, एक एक करके उनको मल्टीप्लाई करना है, ये भी आपका होमवर्क है। मैं सारे होमवर्क सारे आइडेंटिटीज के प्रूफ चेक करूंगा, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हम लिखेंगे तो क्या होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी, फिर यहाँ पे बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए, फिर यहाँ पे बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, मैंने बताया 2 × 3 और 3 × 2 एक ही होता है, तो क्या हो गया यहाँ पर ये 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर सेकंड क्या है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका भी प्रूफ आपको फाइंड करना है। फिर थर्ड a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है अगर, तो क्या होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसका भी प्रूफ आपको चेक करना है। फिर फोर्थ अगर आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर आपको फिफ्थ नंबर दिया हुआ है ए प्लस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का प्रोडक्ट, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर x प्लस वाई होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy और फिर बाद में x प्लस y, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x2 y प्लस 3xy2, ये दोनों इसी के रिजल्ट हैं। ये क्या था, सिक्स नंबर था। फिर सेवन्थ क्या होगा आपका यहाँ पर x माइनस वाई होल क्यूब, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और फिर बाद में x माइनस वाई, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ x क्यूब माइनस वाई क्यूब और यहाँ पर माइनस 3x2 y प्लस 3xy2। फिर उसके बाद सेवन्थ के बाद आएगा आपका एट्थ, वो क्या होगा x क्यूब प्लस y क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस y फिर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy, फिर x क्यूब माइनस y क्यूब, तो क्या होगा x माइनस y फिर बाद में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर x प्लस y क्यूब है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, x क्यूब माइनस y क्यूब है तो यहाँ पर माइनस, बाकी सब में प्लस होगा, उल्टा हो जा रहा है, ध्यान से याद करना है इसको, ठीक है। ये हो गया आपका नाइन्थ। फिर टेंथ क्या है आपका x प्लस y x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, तो वो होगा आपका x प्लस y प्लस z फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। ये आपकी क्या है, सारी एलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको इसी आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ सम सॉल्व करवाता हूँ जिससे आपको ये याद हो जाए, ओके, नोट कर लीजिए एक बार इनको। चलिए देखिए आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इनको एलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके ही सॉल्व करना है।
तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ है, 2x plus 7y, और फिर बाद में 2x plus 7y, तो फर्स्ट वाला जो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोनों सेम ही नंबर लिखे हुए हैं, मतलब 2x plus 7y का होने वाला है यहाँ पर होल स्क्वायर। तो क्या हो गया ये, आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर टू टाइम ऑफ क्या था यहाँ पर, ए इंटू बी, तो 2x 7y और यहाँ पर प्लस 7y का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 2 × 4 = 24 = 28xy और यहाँ पर 49y स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड सॉल्यूशन जब मैं करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, 3x माइनस 5 और 3x माइनस 5 है, तो 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 3x स्क्वायर और यहाँ पर फिर ये 2 टाइम ऑफ कितना हो गया, ये 3x और यहाँ पर ये 5y और फिर प्लस 5y होल स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर 3 × 6 = 30 xy plus 25y square। फिर थ्री सॉल्यूशन जो है, थर्ड सॉल्यूशन वो क्या होने वाला है आपका, 5x plus 3y और 5x minus 3y, तो 5x plus 3y और यहाँ पर फिर ये 5x minus 3y, तो कितना हो जाएगा वो, 5x whole square minus 3y whole square, तो 25x square minus 9y square हो जाएगा। ये a plus b into a minus b का फॉर्मूला यूज करके आपने अभी सारी आइडेंटिटीज लर्न की अभी तुरंत, आई होप, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो फोर्थ का जो सॉल्यूशन है, फोर्थ में क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, 5x plus 2y और यहाँ पर 5x plus 3y, तो आपने अभी अभी फॉर्मूला देखा क्या था यहाँ पर, ये a एन x plus a और x plus b का, तो ये देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, x plus a into x plus b जो था उसका फॉर्मूला क्या था, x square plus a plus b x और यहाँ पर ये ए बी। ठीक है, तो क्या होने वाला है यहाँ पर देखिए, ये x का काम करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5x का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये a है आपका और ये b है, तो कितना हो गया यहाँ पर ये 2y plus 3y और यहाँ पर कितना हो गया फिर ये x जो था वो 5x था, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर ये a into b, तो 2y into 3y, तो 25x square plus कितना हो गया यहाँ पर 3 × 2 = 25xy और फिर बाद में कितना हो गया 3 × 6y², तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके फिर मैं आपको नेक्स्ट सॉल्व करवाता हूँ क्या है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नोट कर लिया हुआ है हो, देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 4a minus 2b minus 3c का होल स्क्वायर, तो अभी आपने देखा क्या था यहाँ पर, x plus y plus z होल स्क्वायर क्या था, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx, तो क्या हो जाएगा ये 4a minus 2b minus 3c का होल स्क्वायर जो था वो क्या हो गया आपका, 4a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर प्लस माइनस 3c होल स्क्वायर प्लस 2, फिर यहाँ पे 4a माइनस 2b, फिर यहाँ पे प्लस 2 टाइम ऑफ कितना हो गया, माइनस 2b इंटू माइनस 3c, फिर यहाँ पे प्लस 2 टाइम ऑफ कितना हो गया, माइनस 3c इंटू 4a, तो 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 × 4 = 8 × 16, तो माइनस 16ab, फिर यहाँ पर 2 × 4 = 12, तो प्लस 12bc, फिर यहाँ पर 3 × 6 = 24, तो माइनस 24ac, ये क्या हो गया आपका आंसर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca वाला फॉर्मूला यूज होगा या फिर प्लस भी आ सकता है, तो प्लस ही लेके आना है मेरे को। तो देखिए आपको ये दिया हुआ क्या है यहाँ पर, यहीं से सॉल्व करता हूँ मैं, तो 4x स्क्वायर दिया है तो उसको मैं 2x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन है, तो y कॉमन है, मतलब y के साथ नेगेटिव वैल्यू आ रही है तभी यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो प्लस माइनस y लिखता हूँ मैं यहाँ पर। फिर क्या है ये प्लस z स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये प्लस लिखता हूँ मैं इसको 2, ए की वैल्यू 2x और यहाँ पर b कितना है माइनस y, फिर बाद में प्लस 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस y और ये z, फिर बाद में यहाँ पर प्लस 2, फिर यहाँ पर x और ये
2x और यहाँ पर ये z, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा ये बताइए, यहाँ पर 2x माइनस वाई या 2x प्लस यहाँ पर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, मतलब 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर ये आपके पास आ गया। अब आपको नेक्स्ट सॉल्व करना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये 6 नंबर था, 6 नंबर एक बार फिर से आपको ट्राई करना है। यहाँ पर क्या था देखिए, सबको मैंने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में लाने की कोशिश की है, जो होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो उसमें मैंने इनको कन्वर्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बार फिर से समझा देता हूँ, मेरे को इसको होल स्क्वायर बनाना था, तो 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है ना, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, बट मैंने यहाँ पर माइनस y होल स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है, तो माइनस y का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, प्लस y ही होगा, और यहाँ पर दोनों जगह माइनस साइन था, और इन दोनों माइनस साइन में जो कॉमन वैल्यू, कॉमन क्या है, 4 कॉमन है दोनों में, नंबर से मेरे को वैसे भी कोई मतलब नहीं था, बट फिर भी दोनों जगह 4 भी नहीं है, और यहाँ पे क्या है ये x, तो x भी दोनों जगह नहीं है, यहाँ पे x है यहाँ पे z है, बट y दोनों जगह है, तो जो वैल्यू दोनों जगह है उसी के कारण तो नेगेटिव आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर इसलिए क्या लिख दिया, y के साथ नेगेटिव लिख दिया और z को एज इट इज रहने दिया। आपके टेक्स्ट बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है अब हमें, तो मैं इनको पहले यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया, मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो क्या हो गया है, यहाँ पे 7 सॉल्यूशन देखिए वो है 2a प्लस 3b होल क्यूब, तो 2a प्लस 3b होल क्यूब मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2a प्लस 3b होल क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 2 4a क्यूब, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख दो पहले मैं यहाँ पर, ये देखिए ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या x प्लस y होल क्यूब, क्या था ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई 3xy स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ पर 2a क्यूब प्लस 3b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, और ये क्या है यहाँ पर y मतलब कितना है 3b, फिर यहाँ पे प्लस 3 2a और यहाँ पर कितना हो गया ये 3b स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो गया 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4a स्क्वायर इंटू 3b, फिर प्लस 3 इंटू 2a और यहाँ पर कितना हो गया ये 9b स्क्वायर, तो 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, फिर यहाँ पर 4 3 12 12 3 जा 36a स्क्वायर b प्लस यहाँ पर ये 54ab स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2a प्लस 3b का होल क्यूब, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पर आपका, 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz, तो 8x क्यूब को मैं यहाँ पर 2x होल क्यूब लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पर प्लस कितना हो गया ये y क्यूब प्लस यहाँ पर 3z क्यूब लिख सकता हूँ, फिर माइनस 3 को मैंने अलग कर दिया, x की जगह लिखा मैंने 2x, फिर यहाँ पर y और यहाँ पर ये 3z, तो 3 2 6 6 3 18 होता है यहाँ पर, यहाँ पर भी 18 है। अब ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसका फॉर्मूला था, यहाँ पर देखिए लिख देता हूँ मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू था आपका a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, तो क्या हो जाएगा ये आपका यहाँ पर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 2x प्लस y प्लस 3z और यहाँ पर फिर ये 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3z होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस ab मतलब कितना हो गया 2xy, फिर यहाँ पर माइनस bc मतलब कितना हो गया ये 2y इंटू 3z, फिर यहाँ पर कितना हो गया माइनस 2 टाइम ऑफ 3z इंटू 2x, जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस y प्लस 3z और यहाँ पर फिर ये 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3 टू जा 6yz और माइनस 3 टू जा 6 टू जा 12xz, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। चलिए तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है आई थिंक, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, और आपके कोई भी डाउट होते हैं या कुछ होता है तो मैं आप लोगों को वो फिर से सॉल्व करके बता दूंगा। एक बार आप अपनी एचआरडी टेक्स्ट बुक सॉल्व कर लीजिएगा कम्प्लीटली, ठीक है। एक यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस फाइव क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो स्पेशल केस होता है मैं आपको वो बता देता हूँ, आप नोट फाइंड करके नोट कर लीजिएगा उसको। क्या होगा यहाँ पर, आपने देखा अभी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर कितना हो गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। तो अगर आपका क्या हो, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये जीरो हो जाएगा जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी होगा, ठीक है। ये ध्यान से नोट पॉइंट करके अलग अलग लिख लीजिएगा आप इसको, याद रखना है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है, आपको पता है। बट अगर आपका ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको इस छोटे से टॉपिक के ऊपर एक और सम करवा देता हूँ, ठीक है, एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे इस चैप्टर को समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है आपको, 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 50 क्यूब। तो पहला मेथड तो ये है कि आप इन तीनों के क्यूब फाइंड कर लीजिए आपस में मल्टीप्लाई करके और बाद में उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर दीजिए। बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करना ही होता तो हमें नाइन्थ में आने की क्या जरूरत थी, हम लोग सिक्स सेवन्थ में भी तो ऐसा कर ही रहे थे ना, तो अभी हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप लोग ऐसा देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ पर ये दिया हुआ है माइनस सी क्यूब। तो मैं यहाँ पर इसको वापस लिख रहा हूँ, देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन जो है आपका वो क्या होगा कि 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब और यहाँ पे प्लस साइन लिख करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस 50 क्यूब, ठीक है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं फाइंड करूँ तो 30 प्लस 20 और यहाँ पे प्लस माइनस 50, तो क्या हो गया ये 50 माइनस 50 विच इज इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, मतलब यहाँ पर ए क्यूब, तो क्या होगा यहाँ पर इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री टाइम ऑफ ए बी सी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब और यहाँ पर प्लस माइनस 50 क्यूब इज इक्वल टू थ्री टाइम ऑफ 30 इंटू 20 इंटू माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पर अच्छे से। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो और आप ही को करना है, ये मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ आपको, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है जो बहुत इजी काम है। चलिए एक मैं कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये थ्री ये फाइव टू जैसा टेन होता है, फिर यहाँ पर टेन और यहाँ पर ये 90 होता है, 90 उसके बाद एक दो तीन जीरो है तो यहाँ पर तीन जीरो मैंने लगा दी और आगे माइनस साइन था, तो क्या हो गया माइनस 90,000 आपका आंसर हो गया। फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वापिस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया हुआ है। आप यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या बोलेंगे 28, बी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पर माइनस 15 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 13। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया आपका ये 28 माइनस 15 माइनस 13, तो 28 माइनस 28 तो क्या हो गया ये आपका जीरो। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी होगा। तो आपका यहाँ पर 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब फिर यहाँ पे प्लस माइनस 13 क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टाइम ऑफ, कितना हो गया ये आपका 3 टाइम ऑफ 28 और यहाँ पे फिर ये माइनस 15 और यहाँ पर ये माइनस 13, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको अपने आप यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इजी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 250 और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 3 और आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें अच्छे से पता है यहाँ पर क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। तो यहाँ पर क्या हो गया ये ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 250 फिर यहाँ पर प्लस 2 कितना हो गया ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये कितना है यहाँ पर ये 3 है।
तो क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है ना, यही है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है 3 है, तो 250 प्लस 6 तो कितना हो गया यहाँ पर ये 256, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256 है। अब 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 16 स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका ये 16, तो यहाँ पर आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई जो आपको फाइंड करना था। तो अपने यहाँ पर ये सारे टॉपिक इजीली समझ दिए, इनको सॉल्व कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला होमवर्क तो आपका ये रहेगा। फिर सेकंड है आपको क्या करना है, इसमें ज्यादा एक्सरसाइज होगी तो आप दो पार्ट में पढ़ ले, आपको होमवर्क सबमिट करना है, आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज सबमिट करेंगे, यहाँ पर आपको सॉल्व करनी है, फोटो क्लिक करना है एंड सेंड करना है, ठीक है। चलिए तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, अब हम लोग मिलेंगे इन चैप्टर के डाउट या फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बाय।